सब दोस्तों का राम राम पहुँचे बुंदेलखंडी ब्लॉग न्याय की वीडियो में आप सब जन को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ज़्यादा साड़ी नहीं ले आए थे, तो आज जवाली साड़ी पहनी अच्छी है, मतलब फंक्शन में भी पहन सकत, थोड़ी छोटे मोटे फंक्शन में भी पहन सकत। तो आज जाने हमें घर के सामने स्वागत ले हैं, तो चाची हमें भी भूल गई थी और मम्मी का भूल गई थी। तो इतना पका है अगर तो जे है काजल, तो इनकी शादी के बाद स्वागत हो रही। तो चाची आई थी मम्मी को चना देन, तो महोबा में कहा है जैसे सुहागल होती ना तो चना दे दे, तो पक्को ध्यान बनो रहे कि हमें सुहागलन में जाने हैं। तो हमें भी दे गई थी चना चाची और मम्मी का भी दे गई थी। तो शादी के बाद लड़की की भी सुहागल होती और बहू की, जैसे लड़का की शादी हो तो बहू की भी सुहागल होती। और बस काजल का जाने हैं परसों, तो ये वजह से आज रख लें सुहागल। तो बसंत पंचमी के दिन इनकी दूसरी विदा थी और नाखून भी कटने थे। तो कहूँ कहूँ बुंदेलखंड में हम आए थे काय नाखून कटत शादी के बाद लड़का लड़की की, तो चला भी बोलत और गौना भी बोलत, और नहीं तो कहूँ कहूँ नहीं कटत। जैसे कि हमारी शादी के बाद नहीं कटे थे हमारे, और मोहिनी की कटे थे और बड़ी दीदी के भी कटे थे। और बस सब लोग सुहागल में बैठे हैं, तो इतने काय सवा पौआ लड्डू बटत, और फिर चना और गुड़ भी, और फिर चना गुड़ लड्डू लेके जो लड़की की सुहागल हैं उन्हें दे दी ओली बोलत। और अगर ओली ज़्यादा हो जाती ना तो फिर रख ले तो भाभी लोग भी खा लेती। और बस इतने घर पे लगो काम, तो इतने दुकान में शटर लगी थी, तो अब शटर हट के बैठक बनने, तो इतने पे लोहे के गेट लग गए। आप लोग पापा का भी देख लो, ऑपरेशन के बाद ऐसे हैं पापा। तो उस दिन तो जन्मदिन आए तो उस दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि दूसरे दिन भी नहीं बनाई, और जन्मदिन में आने तो उस दिन रात के बनाई थी वीडियो। तो पापा के ऑपरेशन के बाद काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर से लग रहे, और बस सुबह हमें जाने हैं, तो सुबह होगा। हम उठ गए थे 3 बजे, टेंशन में नींद नहीं आएगी, सुबह वाले से जाने हैं, जाने तो एक दिन पहले है, तो लेकिन लेट आ रही थी ट्रेन, तो सब लोग बोले कि आज नहीं जाओ आज नहीं जाओ, तो फिर नहीं आए थे। तो आज सोची कि सुबह से निकल जा रहे कि तो लेट पहुँचे, लेकिन दिन ही दिन में तो पहुँच गए हैं। तो हम रेडी हो गए और तैयार हो गए, और एक बैग आए थे तो लेके आए थे, तो कुछ ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, बस ऐसी चल रही। और काफ़ी कोई रोगा और बरू सागर में नहीं है, तो मतलब कि पापा सब नहीं थे, बहुत कोई रो है, तो भाई कह रहे थे तो धूप निकल गई, तो आप लोग देख सकत कितनी भयंकर कोई रो है ते पे। तो जौन ट्रेन से हमें जाने हैं उनको टाइम है 6:13 या 6:18, और
लेट हो गई थी, तो हम घर से निकले थे 7:30 बजे, फिर भी ट्रेन आई थी 10 बजे। ट्रेन ने तो बहुत ज़्यादा हद कर दी, सब लोग बहुत बोर हो रहे थे बैठे बैठे, और कोहरे की वजह से कछु ज़्यादा ही लेट हो गई, तो इस महुआ स्टेशन में बहुत भीड़ थी, तो ट्रेन काफ़ी भर गई थी। लेकिन और आगे चलत चलत ट्रेन की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत भीड़ थी कि समझ लो ढक्का ढुक्की हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो निवाड़ी आ गए, निवाड़ी की जस्ट बाद बरुआ सागर, तो अनमोल अभी के पापा देखते रहे थे मोबाइल में, तो वे टाइम से आ गई थी स्टेशन लुबान। तो जब हम उतरे थे तो इत्तेफाक से बिल्कुल जस्ट सामने जहाँ पे डिब्बा रुको वहीं पे भी खड़े थे, तो भी झाँक रहे थे चारों तरफ, तो हमने आवाज़ दी तो हमने बस बैग पकड़ लो। और आप लोग देख सकते स्टेशन और ट्रेन के बीच कितनी ऊँचाई है, बहुत कूद के उतरना पड़ा था। और मैम वो ट्रेन थी ना तो अच्छी साफ सफाई रहे, कैसे अब जी नहीं चली तब पे। और बस जो है बरुआ सागर को मार्केट, तो स्टेशन जाओ तो बीच में मार्केट मिला, तो और पीछे से भी रास्ता है, लेकिन सिंगल रहो तो सही है, जैसे ऑटो वगैरह से आया फोर व्हीलर से तो ज़्यादा दिक्कत हो, टू व्हीलर तो आराम से निकल जाती है मार्केट से। और जहाँ से हम लोग निकल रहे तो इतने पे दो कुलियाँ हैं, लेकिन ई साइड से भी आराम से निकल जाओ, और जैसे हर रास्ता में दो कुलियाँ तो रहती हैं, एक ई साइड चली एक उस साइड से, तो अभी साइड से आए। और जो है जैन मंदिर बरुआ सागर, जैसे घर पहुंचे टीयू बहुत आगे पीछे घूम रहे थे हमारे, कल तक के लाने, राम राम।